लाभार्थी को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, सारे लोगों को सुबह सुबह की राम राम। और मेरे बच्चे आप सभी लोगों को बहुत सारा लाड प्यार, और आप भी एक बार ज्यादा कह दो सुबह सुबह की राम राम। आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आज तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके उत्तर में आपके उत्तर छुपे हुए हो सकते हैं। राशि से शुरू करते हैं। मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि का हाल सुनिए। मेष राशि, शाम तक का समय आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है, धन की आपको विशेष रूप से केयर करनी होगी। बाकी कुल मिला के भाग्य पक्ष चूंकि ठीक है, इसलिए कोई परेशानी ज्यादा तो नहीं लगती, लेकिन कोई बड़े निर्णय लें तो आप बुजुर्गों से या किसी अन्य से सलाह मशवरा करके ही लीजिएगा, और इस दिन कोई भी निर्णय क्रोध या जल्दबाजी में नहीं ले। उपाय के तौर पर इस दिन लोगों को जल पिलाइएगा। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, इस दिन आप खूब मेहनत करें, आगे निकलने के आगे बढ़ने के आपको अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अपने शरीर का और अपनी गृहस्थी का ख्याल रखना होगा। इस दिन आटे का दान जरूर कीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं, समय आपके लिए अनुकूल है, दोपहर बाद आपको कुछ अच्छे अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं, बस जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कीजिएगा। स्त्रियां पुरुषों के साथ, पुरुष स्त्रियों के साथ मर्यादित व्यवहार करें, और इस दिन पके हुए भोजन का दान जरूर कर दें। कर्क राशि की बात करते हैं, ये दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं होगा, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, बनते बनते काम थोड़ा सा बिगड़ेगा, धैर्य बना के रखिएगा, मित्रों की मदद लीजिएगा, काम उससे आपके सिद्ध होंगे, दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए। प्रश्न लेते हैं, आशीष मेहरोत्रा जी का ये प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक प्रश्न में अनेक प्रश्न छुपे हुए हो सकते हैं, आपका भी कोई प्रश्न छुपा हुआ हो सकता है, और उसके उत्तर से आपको भी फायदा हो सकता है। राम राम आशीष भैया। राम राम जी। जी गुरु जी, मैं 42 साल का हूँ, चंडीगढ़ रहता हूँ। आप पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 6 अगस्त 1977। टाइम? मॉर्निंग। और बर्थ प्लेस? लुधियाना जी। जी अब बताइए। मैंने बहुत से मतलब कारोबार वगैरह किए, कोई कामयाबी नहीं मिली, और अब घर का भी मेरा केस वगैरह चल रहा है वाइफ के साथ। जी हाँ जी हाँ। तो मैं अकेला ही रह रहा हूँ, छोटी सी नौकरी करके चल रहा है, पर जी पिताजी से तो आपको जीवन में कभी कोई मदद मिल भी नहीं पाई होगी। पिताजी तो अब है नहीं। जी हाँ जी हाँ, क्योंकि ऐसे में पिता का सुख नहीं होता है, माता का सुख भी बहुत कम होता है, मित्रों का सुख भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है, और तमाम बुद्धि के बावजूद भी अपने लिए आप कभी कोई कार्य करेंगे वह खराब हो जाएगा, लेकिन आपकी उसी सलाह से दूसरों के काम संवर जाएंगे, तो ये स्थिति आपके साथ भी रही होगी। खैर आशीष जी, अब दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि गृहस्थ सुख की आप बहुत ज़्यादा कामना मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल सूर्य शनि की वजह से ऐसे लोगों का जो गृहस्थ का जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है, रही बात आपकी नौकरी, जून 2020 राहु आपके लिए बहुत फेवरेबल है, तो राहु की जो दशा शुरू होगी जून 2020 और के बाद से वह आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। उसमें मशीन या तेल से संबंधित कोई काम करिएगा, या अनाज से संबंधित कोई कार्य करिएगा, दवाइयों से संबंधित भी आप काम करेंगे तो आपको लाभ होने लगेगा। तब तक चुपचाप जो आपकी नौकरी चल रही है उसे चलाते रहिए, ठीक है? समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, एक तो आप बुजुर्गों की सेवा किया कीजिएगा किसी भी रूप में, उसके बाद गौ माता की सेवा किया कीजिएगा किसी भी रूप में, आपके धन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अन्य किसी रूप में से वो सेवा कर सकते हैं। बस अमावस्या के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, पुनः बोल रहा हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप अमावस्या के दिन आप जरूर किया करेंगे, सूर्य उदय होने के 1 घंटे के भीतर भीतर। एक उपाय जो आपको जीवन पर्यंत करना है, और वो उपाय ये है कि सूर्य उदय से पहले आप स्नान करके सूर्य के सामने बैठ जाइएगा, और ओम घणी सूर्याय नमः का
जब सूर्य के सामने बैठ के कर लीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए, काम आपके बनेंगे। अभी वाद विवाद ये जून तक तो चलेंगे ही चलेंगे, उसके बाद इसका समाधान होगा, समाधान आपके हक में होगा और उसके बाद आपको धन भी मिलना शुरू होगा। वैसे आपने भी महसूस तो किया ही होगा कि आप टेक्निकल कामों में बहुत अच्छे हैं, तो आप ये करिए और मेरी भी शुभकामनाएं हैं। समय अब अच्छे से कट जाएगा आपका, चिंता ना करें। अभी गृहस्थी बसाने की मत सोचिएगा, 2021 में देखा, 2021 में जून के बाद, ठीक है। अभी शिव जी की आराधना कीजिए, वो आपके इष्ट हैं और सब ठीक होगा। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये उपाय कीजिए। questions.guruji@gmail.com इस ईमेल पर आप अपने प्रश्न भेजिएगा, बस इसी जगह भेजिएगा। लोग मेरे मैसेंजर पे, मेरे फेसबुक पर, इस शो के कमेंट्स में, ट्विटर पर, सब जगह प्रश्न भेजते हैं। सब जगह से लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए एक जगह है questions.guruji@gmail.com, बस यहीं से मैं फिलहाल क्वेश्चंस ले सकता हूं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, मैं किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए कोई धन नहीं लेता हूं। आश्रम में कोई धन इस चीज का नहीं लिया जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी कह ले, कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति, कुछ लोग बता रहे थे, ऐसी कंप्लेंट्स कर रहे थे, ठगी बहुत तरीके से होती है, मेरे नाम से बहुत सालों से ठगी कोई ना कोई करता रहता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो मिलेंगे नहीं, वो बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हमसे कह दिया आपके नाम से पूजा करा दे, 5100 रुपये, 7100 रुपये, 11000 रुपये मांग ले। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा आपसे। तो सिर्फ इस जीमेल पर ही आप अपने क्वेश्चंस को भेजिएगा और कहीं नहीं भेजिएगा, और इसका कोई धन नहीं है किसी भी रूप में, ठीक है ना। हाँ, मेरे साथ काम में हाथ बटाइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। देश और राष्ट्र का काम, इस समाज का काम जरूर मेरे साथ कीजिएगा, ध्यान साधना मेरे साथ कीजिएगा, आश्रम में आप सबका स्वागत रहता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिंह कन्या और तुला वृश्चिक राशि की बात। राशि, कार्य बनने में थोड़ी सी बाधाएं तो आएंगी लेकिन कार्य बनना रुकेगा नहीं। हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, अपने पिताजी से अपने संबंधों का ख्याल रखिएगा और सूर्य को जल देके फिर अपना काम शुरू कीजिएगा। कन्या राशि, आपके क्रोध की वजह से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, बस एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान कीजिएगा, लेकिन इस दिन लाल रंग का कपड़ा नहीं पहनिएगा। तुला राशि, समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए मेहनत ज्यादा कीजिएगा और बहुत अपेक्षाएं मत रखिएगा। अलर्ट रह के काम करने में ही आपका भला है, वाहन ध्यान से चलाइएगा। लेकिन यदि आप ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करते हैं और थोड़ी देर शांत भाव से बैठते हैं और मेहनत से अपना कार्य करते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कार्य आपके बनते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि, अचानक कोई अच्छा समाचार मिल सकता है लेकिन दुर्घटना के संकेत भी बन रहे हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वाहन ध्यान से चलाएं, आग पर, करंट पर काम करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक उपाय कीजिएगा, ओम रुद्राय नमः का जप आपको करना है, शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है, उसके बाद काम पर जुटिएगा। इसे नीला काला कपड़ा पहनने से बचें। प्रश्न लेता हूं रितेश जी का, लेकिन रितेश जी ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। रितेश जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ तो भेजी है लेकिन ना प्लेस ऑफ बर्थ भेजी है और ना टाइम ऑफ बर्थ भेजी है। प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर बिहार कह दिया, बिहार तो बहुत बड़ा है, मैं कहाँ तक उसको देखूँगा और मुझे कैसे पता कहाँ अवतरित हुए। तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल से तो आपको फिलहाल कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ, अप्रैल से नवंबर के बीच में अगले वर्ष आपका भाग्योदय होगा, ठीक। तो उसके लिए तैयारी कीजिए, सब प्रभु जी ठीक करेंगे। अब धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की बात। धनु राशि, सोच समझकर चलिएगा, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, दुर्घटना के संकेत हैं, नुकसान के संकेत भी मिल रहे हैं।
साथ ही साथ जिन लोगों को आंखों की गले की लंग्स की दिक्कत रहती है उन लोगों को ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन आप दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान कीजिएगा। यदि वो संभव नहीं हो पा रहा है तो फल का दान कर दीजिएगा। मकर राशि, ये वक्त आपके लिए थोड़ा सा बेहतर है। दोपहर के बाद थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा, रात का समय अच्छा होगा। तो कोई खास बात यदि आपको किसी से करनी है तो रात के समय कीजिएगा। बाकी एक छोटा सा उपाय आप इस दिन जरूर कर लीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जप करें फिर अपने काम पर जुटें। कुंभ राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला लेना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इस दिन बड़े बुजुर्गों की मदद मिल सकती है, मित्रों की मदद मिल सकती है, उनकी मदद से आपके कार्य आगे बढ़ सकते हैं। तो जहां भी अटके बड़े बुजुर्गों की सहायता जरूर ले लीजिएगा और मित्रों की सहायता ले लीजिएगा। इस दिन यदि आपको बुजुर्गों या मित्रों के लिए कोई कार्य करना भी पड़े तो आलस्य मत कीजिएगा, खुले दिल से कीजिएगा। उपाय क्या करना है, नमः शिवाय का जप करें और अनाज का दान जरूर कर दें। मीन राशि, ये दिन आपको एकदम कुछ देने वाला नहीं है, इसलिए धैर्य बिल्कुल मत खोइएगा, लगातार मेहनत करते रहना होगा आपको, तब जाके आपका कार्य बनेगा। उपाय के तौर पर बुजुर्गों को प्रणाम करें, आज उनकी विशेष रूप से रिस्पेक्ट करें, उनके काम करें और इस दिन बेसन का दान अवश्य कर दें। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो जिनका जन्मदिन है उन्हें पूरे आश्रम परिवार की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, आपका कुछ नया सीखने का समय चल रहा है, कुछ नया सीखते रहिए, कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। संघर्ष के बाद सफलता है, इसलिए संघर्ष हो तो ये समझ लीजिएगा अब सफलता जरूर मिलेगी और बेहतर सफलता मिलेगी। लेकिन इन 12 महीनों में आपको अग्नि और जल करंट इनसे बहुत ख्याल से काम करना होगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। इन 12 महीनों में उन लोगों को जिनको रक्त संबंधी या लिवर संबंधी व्याधियां रहती हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, अपना ख्याल रखें, अच्छे से परहेज करें। एक और महत्वपूर्ण बात, टीम में काम करना सीखेंगे तो तरक्की आपकी बहुत तेज होगी। खास तौर से जनवरी, मार्च, दिसंबर भी काउंट की, जिसमें दिसंबर, जनवरी, मार्च, मई, जून और अक्टूबर का जो समय है इसमें आपको विशेष रूप से मदद मिलेगी। लेकिन यदि आप में घमंड है, क्रोध है, तो आपको इस समय में एक सामान्य सफलता मिलेगी, कोई विशेष सफलता नहीं मिलेगी। उपाय के तौर पर ओम नारायण नमो नमः का जप जरूर कर लिया कीजिएगा, दिन में कम से कम 5 माला, ठीक। और एक हल्दी की गांठ अपने किसी बुजुर्ग के हाथ से ले लीजिएगा, अच्छे से धोकर फिर पीले धागे में बांध के उसको गले में आज दिन में डाल लीजिएगा और फिर एक वर्ष तक पहने रहिएगा, तरक्की होगी। ऑल द बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया से एक मेल आया है, बड़ा टिपिकल प्रश्न है, लेकिन इन्होंने अपना नाम गुप्त रखने को कहा है, तो इसलिए मैं फिर से कह देता हूं, ऑस्ट्रेलिया से ये प्रश्न आया है। भाई, पिता और विवाह, इन तीन चीजों से संबंधित ये प्रश्न है, लेकिन मैं एक ही प्रश्न ले रहा हूं और वो प्रश्न आपके विवाह से संबंधित ले रहा हूं। इनके 3 विवाह हुए लेकिन सफल एक भी नहीं हुआ, और घर के भी, ससुराल के भी, दोनों के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। ये ना भारत में रह पा रहे हैं, ना वाइन को रेजिडेंसी मिली है, तो ये क्या करें। देखिए, आप मेरी बात को बहुत गौर से सुन के कहीं लिख के रख लीजिएगा। नवंबर ख़त्म होने के बाद 15 दिसंबर से पहले आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है जॉब का, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अप्रैल से जुलाई के बीच में यहाँ आपको इस जॉब की वजह से लाभ मिलेगा और नवंबर 2020 के बाद फिर रेजिडेंसी से संबंधित काम हो सकता है। विवाह के लिए मैं आपको अभी सलाह नहीं दूंगा, विवाह 2021 की जून के बाद सोचिएगा, ठीक। कोई भी रिलेशनशिप मेल के साथ 2021 जून से पहले मत डेवलप कीजिएगा, फिर नुकसान होगा और अब की बार बड़ा नुकसान होगा। एक सोने की या पीतल की अंगूठी अपनी पहली फिंगर में पहन लीजिएगा, इंडेक्स फिंगर में पहन लीजिएगा और थर्सडे के दिन सुबह सुबह इसे पहनिएगा। थोड़ा दौड़िए, चलिए, फिरिए, घूमिए, भागिए और
पढ़ा जरूर कीजिए, कोई भी धर्मशास्त्र जो आपको अच्छा लगता हो, कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर जो आपको अच्छा लगती हो, आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। ये बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ आपको, ये करने से आपको लाभ ज़रूर होगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आप भी कॉन्फिडेंस पाइए और लग जाइए। दिन के शुभ अशुभ मुहूर्त, अशुभ समय में दो मुहूर्त लिखिए, सुबह 10:17 से 11 बजे तक, उसके बाद दोपहर में 2:35 से 3:19 तक, गोलिक काल लिखिए सुबह 9:23 से 10:44 तक, यमगन काल लिखिए सुबह 6:41 से 8:02 तक, और राहु काल रहेगा दोपहर में 1:25 से 2:46 तक। शुभ समय नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:43 से 12:26 तक। चलता हूं और देता हूं ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका दिन बहुत अच्छे से कटे, और साथ ही साथ एक निवेदन, हंसिएगा मुस्कुराइएगा और लोगों का दिल जीतने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।